हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और न्यू गवर्नमेंट जॉब जिसके बारे में आपको पता ही है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसके लिए वीडियो अपलोडेड होती रहती है इससे रिलेटेड, तो मैं इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन देने वाली हूँ इस गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। और मेरे पास एक पेपर की कटिंग है जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प भी मिल जाएगी कि एक्चुअली में कब आने वाला है। तो इसमें जो पोस्ट निकलेगी वो निकलेगी कॉन्स्टेबल मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की। नंबर ऑफ वैकेंसीज 9000 प्लस रहेगी। और इसमें बात करें सैलरी के लेवल की, तो 5200 से लेकर 20200 रुपये के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बेसिक लेवल से एकदम, अगर आप 10th भी हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट्स हैं तो 100 रुपये रहेगी। अगर आप SC ST यानी कि रिजर्व कैंडिडेट्स आते हैं, जैसे PWD फीमेल कैंडिडेट्स, तो आपका वो भी नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, जिसकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, PMT होगा, PET होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेरिट लिस्ट जारी होगी, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से रहता है, CBT बेस्ड जो होता है, इसमें क्या होता है MCQ बेस्ड रहता है, आपको टोटल यहाँ पर टाइम मिल जाता है 2 घंटे के अप्रॉक्स। क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक इंटेलिजेंस जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 35 क्वेश्चन इससे आते हैं, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन एक नंबर का होता है, टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के आपके रहते हैं। नेक्स्ट आपका फिजिकल इन्फो यानी कि PET में क्या होगा, तो अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट्स हैं तो और मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो हाइट है मेल में 160 रहेगी, फीमेल में 152 सेंटीमीटर रहेगी। और जो अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी जगह से, तो आपकी जो हाइट है 163 सेंटीमीटर रहेगी मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155। अगर हम चेस्ट की बात करें तो फीमेल का चेस्ट नहीं देखा जाता है, मेल चेस्ट की बात करें तो इसमें क्या है, जनरल OBC कैंडिडेट्स के मेल के लिए 80 अनएक्सपेंडेड होगी और 85 एक्सपेंडेड होगी, SC ST के लिए 76.2 अनएक्सपेंडेड होगी और 81.2 एक्सपेंडेड होगी। हिली एरिया से बिलोंग करने वालों के लिए जो चेस्ट होगी वो 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 85। अब देख लेते हैं PMT में क्या होगा, इसमें क्या है, आपको अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 1600 मीटर की आपकी रनिंग रहेगी, जो कि आपको 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। और इसमें केवल और केवल आपको एक चांस दिया जाएगा। और दूसरी जो होगी 800 मीटर की रनिंग होगी, मेल कैंडिडेट्स की नहीं होगी, ये फीमेल की होगी, इसमें आपको 3 मिनट 40 सेकंड मिलेगा और चांस सिर्फ एक ही मिलेगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 14 फीट रहेगा, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 9 फुट रहेगा, इसमें 2 चांस आपको मिलाएगा। और हाई जंप में क्या रहेगा, 4 फीट मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 फुट, नंबर ऑफ चांस 2 रहेगा। तो आप ये सारा क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना अगर आप क्राइटेरिया कंप्लीट। ये रही हमारे पास पेपर की कटिंग। पेपर की कटिंग क्या है, RPF 4500 पद महिलाओं के नाम, इसमें क्या है टोटल 9000 पद है, जिसमें से 50% जो है वो टोटली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। इसमें क्या है, जैसे कि ये देख सकते हैं, रेलवे सुरक्षा बल में खाली पड़े कांस्टेबल के पदों में 50% पर महिलाओं की भर्ती होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को सदन में बताया कि सरकार ने फैसला किया है कि 9000 खाली पदों पर 4500 तो वो महिलाओं के लिए रखा जाएगा, बाकी का जो है वो फीमेल मेल कैंडिडेट्स के लिए होगा। तो आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, ताकि जो हमारी फैमिली है वो बड़ी हो सके। थैंक यू।